राधे 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 दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जैस्मिन प्लांट के बारे में, जो समर प्लांट है और परमानेंट प्लांट भी है, जो समर में फ्लावरिंग करती है। दोस्तों, इसके मैं कुछ टिप्स बताऊंगा और ये आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट है मेरा जैस्मिन का, ये ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक कलियों से भर चुका है और ये अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए भी प्लांट तैयार हो चुका है। और ये मार्च का महीना चल रहा है और मैं काम में पहुंच गया हूँ। तो दोस्तों, इसके मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ और ये प्लांट के बारे में, जैस्मिन के बारे में। तो ये दोस्तों, इस प्लांट में आपको टिप्स में बता रहा हूँ। और इसमें आपको जो थोड़ी मिट्टी डालनी है, जो मिट्टी आपको गमले से थोड़ी ऊपर से 1 इंच मिट्टी निकाल दीजिए। और मिट्टी वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर की कंपोस्ट है वो ले लीजिए, 1 कप मिट्टी है और 1 कप आप दे सकते हो, कप में या डिब्बी में। आपने 1 मग्गे में मिट्टी तैयार की है, मिट्टी में वर्मिंग कंपोस्ट और 1 चम्मच हड्डी की खाद बोन मिल ये डाला। और इसके बाद ये दूसरी बात, इसमें वाटरिंग अच्छे से करना है ताकि ये जो खाद अच्छे से घुल जाए और इसके जो रूट को लगे, जड़ को लगे, तो और अच्छे से पानी डालना है। और ऐसे पानी देना है कि जो इसमें गमले में नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, गमले में रुकने से ये पानी जो है रूट ख़राब हो सकती है या प्लांट ख़राब हो सकता है रूट ख़राब होने पर। तो दोस्तों, ये आपको पानी ऐसे डालना है कि पानी छट जाए और मिट्टी गमले की जो नमी है वो बने रहे। तो इस तरह से दोस्तों आप वाटरिंग कीजिए और अच्छे से वाटरिंग कीजिए, क्योंकि इसमें पानी खूब लगती है। अच्छे से वाटरिंग इसमें मैंने किया, आप देख सकते हो। और जो तीसरी बात मैं सनलाइट के बारे में बात करूं, तो धूप जो है इसको सुबह से शाम मिलती है, ये सारा दिन धूप में ही रहता है ये प्लांट। और धूप में रहने से ये प्लांट अच्छी ग्रो हुआ है कि क्योंकि ये समर का प्लांट है और समर में अच्छी फ्लावरिंग करती है, तो इसको सनलाइट जरूरी है, तो सनलाइट इसको खूब मिलती है सुबह से शाम, तो ये अच्छे से ग्रो कर रही है प्लांट और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो दोस्तों, ये प्लांट आप सनलाइट में रख सकते हो। अगर आपके पास अगर सनलाइट नहीं मिल रही है, कम है, तो आप इसको 1-2 घंटे की भी मिल रही तो भी चल जाएगा, लेकिन जो फ्लावर्स है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये सनलाइट इसको ज़्यादा चाहिए, सनलाइट खूब चाहिए, जितना मिल सके उतना इसको सनलाइट मिले तो ये प्लांट अच्छे से तैयार होता है। और दोस्तों, इसके बात करें और तो एक फर्टिलाइज़र और है मेरे पास, जो मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो फर्टिलाइज़र मैं इस पर स्प्रे करता हूँ। मेरे पास सोनाटा का फर्टिलाइज़र है, तो सोनाटा का जो है आप अपने 1 लीटर पानी में 10 ml डाल के आप सारे प्लांट में आप स्प्रे कर सकते हो। और मैंने इसमें हफ्ते हफ्ते में इसमें स्प्रे किया दोस्तों, तो ये स्प्रे करने से ये अच्छे रिजल्ट आए। तो इस तरह से आप इसमें स्प्रे कीजिए। तो दोस्तों, मैंने इस तरह से इसमें स्प्रे किया सोनाटा का और ये अच्छे रिजल्ट आए हैं, आप देख सकते हो इस रिज़ल्ट कितना अच्छा है। और ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, एक भी जगह ऐसे इसकी खाली नहीं है, कलियों से सारा भर चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसका इस देखभाल करें, केयर करें, और ये फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। और मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि इसमें बोन मील हड्डी की खाद ज़रूर दे, क्योंकि ये फूलों के लिए बहुत बेस्ट खाद है और इसमें फूल की जो ग्रो है उसको पावर को बढ़ाती है और ये ग्रो अच्छा से करता है। दोस्तों, इसमें बोनविल हड्डी की खाद जरूर डालें। और दोस्तों, इसकी जो बात करें तो ये कटिंग से भी लग जाती है और
कटिंग आप इसको लगा सकते हैं सीजन से पहले, इसकी कटिंग करके इसको तैयार कर सकते हैं, न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये इजी ग्रो प्लांट है, और ये दूसरी तो ये नर्सरी में भी मिल जाएगी, और नर्सरी में जो अपने साइड है तो ये हमें 20 रुपये की प्लांट मिल जाती है, 20 रुपये की, तो ये नर्सरी से भी मिल जाते हैं। और ये इजी ग्रो प्लांट और ये परमानेंट प्लांट भी है, और ये फूल्स भी समर में फूल इसके आते हैं, और तो बाकी समय इसकी जो पत्ती है वो गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये प्लांट बहुत बढ़िया प्लांट है, और इसकी जो केयर करने पुश करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम इजी है, इजी ग्रो प्लांट है। तो आप इसको अपने प्लांट या बालकनी में कहीं भी आप लगा सकते हैं इसको दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके तो कुछ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।